हाय एवरीवन, वेलकम टू ओरेकल। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत सरकार द्वारा शुरू की गई दो प्रमुख योजनाएं, वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु, जिसके तहत भारत सरकार विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को घर लौटाने की तैयारी कर रही है। ये ऑपरेशन 7 मई को स्टार्ट हो चुका है। आइए इस ऑपरेशन के बारे में डिटेल से जानते हैं। सो लेट्स बिगिन। ये आर्टिकल द हिंदू से है। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, कल से यानी मई 16 से वंदे भारत मिशन का सेकेंड फेज स्टार्ट हो रहा है। भारतीय नागरिक जो इस समय विभिन्न देशों में फंसे हुए हैं, उनकी स्थिति काफी खराब है। उन लोगों के पास खाने पीने के पैसे नहीं है, लोगों को लंबी लाइन लगा के घंटों बाद खाने पीने की चीजें मिल रही है। इसके साथ ही साथ दुनिया के मैक्सिमम देशों में कंपनीज बंद है, जिसके चलते वर्कर्स, स्टूडेंट्स और बिजनेसमैन को काफी दिक्कतें हो रही हैं। अपने नागरिकों की इन समस्याओं को देख करके भारत सरकार ने दो बड़े प्रोजेक्ट, वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया है, जिससे विदेशों में फंसे लोगों को भारत वापस लाया जा सके। वंदे भारत मिशन अब तक का सबसे बड़ा मिशन है, जिसमें सरकार विदेशों में फंसे लोगों को अपने देश में वापस ला रही है। इससे पहले 1990 में कुवैत एयरलिफ्ट प्रोजेक्ट के अंदर 1,70,000 लोगों को पर्शियन गल्फ वॉर से पहले इंडिया में वापस लाया गया था। और माना ये जा रहा है कि वंदे भारत इससे भी बड़ा इवैक्यूएशन प्रोजेक्ट है, जिसमें 1,92,000 से लेके 2,50,000 के बीच लोगों को वापस लाया जाएगा। अच्छा, इतनी बड़ी जनसंख्या को जब वापस लाना है तो कोई कैटेगरी या प्रायोरिटी होनी चाहिए इन्हें वापस लाने के लिए। तो हाँ, इसमें उन लोगों को प्रायोरिटी दी जा रही है जिनके पास वापस आने के रीजनेबल रीजन है। फॉर एग्जाम्पल, वो लोग जिनका वीजा कुछ दिनों में टर्मिनेट होने वाला है, या फिर वो लोग जिन्होंने रिसेंटली कोविड-19 पैंडेमिक में अपने परिवार वाले को खो दिया है। बात करें इन प्रायोरिटीज की, तो इन प्रायोरिटीज में सरकार ने ये कैटेगरीज सामने रखी हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, जिन्हें वहां पे प्रॉपर सैलरी नहीं मिली है जिससे वो लोग खा सके पी सके, ऐसे लोग जिनके एक्सपायरी वीजा की एक्सपायरी कुछ ही दिनों में होने वाली है, पर्संस जिनको मेडिकल इमरजेंसी है, प्रेग्नेंट वुमेन्स या फिर एल्डर्स, से लोग जिनके फैमिली में किसी की डेथ हो चुकी है इंडिया में, और स्टूडेंट्स। बात करते हैं इस मिशन के डिटेल की, तो इस मिशन को 7 मई 2020 से स्टार्ट किया गया था और इसे 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फेज 7 मई से लेकर 15 मई तक है, और इस फेज में 64 फ्लाइट से की यूज से 12 कंट्री से लोगों को वापस लाया किया गया है। बात करें सेकेंड फेज की, तो इसमें एस्टिमेटेड है कि अराउंड 100 फ्लाइट्स की यूज करके लोगों को इवैक्यूएट किया जाएगा, और ये 15 मई से लेकर 22 मई 2020 तक चलेगा। तो क्या ये लोग जो विदेशों से आ रहे हैं, इनसे कोई चार्ज लिया जा रहा है, या भारत सरकार इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे रही है? तो हाँ, जो भी इवैक्यूएशन प्रोग्राम है, इसमें लोगों से चार्ज लिया जा रहा है, और ये चार्ज पैसेंजर टू पैसेंजर वैरी कर रहा है उनके लोकेशन से। फॉर एग्जाम्पल, जो पैसेंजर यूएस से हैं उनसे ₹1,00,000 चार्ज किया जा रहा है, वहीं जो दुबई से होंगे वो उनसे ₹13,000 चार्ज किया जाएगा। ये एक तरह का सिर्फ एक एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अनुसार, जो भी पैसेंजर्स विदेशों से इंडिया आएंगे, उन्हें 2 दिन पहले एक नोटिस दे दी जाएगी, जिसमें डेट, प्लेस, टाइम ऑफ अराइवल सारी इंफॉर्मेशन और अवेलेबल होगी, ताकि उन्हें फ्लाइट कैचअप करने में कोई दिक्कत ना हो। इन पैसेंजर्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कुछ गाइडलाइन भी इशू की है। अकॉर्डिंग टू दिस गाइडलाइंस,
फ्लाइट लेने से पहले सारे पैसेंजर की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी और अगर कोई भी पैसेंजर को कोरोना वायरस रिलेटेड सिम्टम्स होगा तो उन्हें ट्रैवल करना अलाउ नहीं होगा, जिससे कि दूसरे पैसेंजर्स अफेक्ट ना हो। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ने एक हेल्थ गाइडलाइन भी इशू की है, जिससे सारे पैसेंजर को पूरी जर्नी में फॉलो करना होगा। इन पैसेंजर्स को हमारे और आपके जैसे अपने फोन में मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु भी डाउनलोड करके रखना होगा और अपनी सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी रिलेटेड टू एज, जेंडर एंड लास्ट 15 डेज या 1 month में वो कहाँ कहाँ ट्रेवल किए हैं, उनके हेल्थ रिलेटेड स्टेटस एंड एक्सेट्रा। इसके साथ ही साथ पैसेंजर्स को एक एग्रीमेंट भी साइन करवाई गई है, जिसके तहत वो भारत में आने के बाद खुद को सेल्फ क्वारंटीन करेंगे 14 डेज के लिए, जो कि एक पेड क्वारंटीन होगा। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने सिर्फ भारतीय नागरिकों की हेल्प की है, वुहान से अपने कंट्रीज के लोगों को वापस लाने के लिए जब दूसरी कंट्रीज ने हेल्प मांगी तो भारत ने बढ़ चढ़ के उन्हें मदद की। इसके साथ ही साथ ऐसे विदेशी लोग जो भारत से अपने देश जाना चाहते हैं, उन्हें भी अगर उनके पास सारे वैलिड वीजा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से हैं तो सरकार उन्हें अपने देश पहुंचाने के लिए तैयार है। ये जितने भी फ्लाइट्स हैं जिनमें पायलट्स हैं या फिर क्रू मेंबर्स हैं, उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें प्रॉपर पीपीई किट प्रोवाइड की गई है, क्योंकि डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी, पुलिस, पायलट यही ऐसे लोग हैं जो इस पैंडेमिक में भी फ्रंट लाइन पे हैं, सो वी शुड रिस्पेक्ट देम। बात करें ऑपरेशन समुद्र सेतु की तो फ्लाइट्स के अलावा भारतीय नागरिकों को शिप की हेल्प से भी वापस लाया जा रहा है। इसके लिए इंडियन नेवी ने ऑपरेशन समुद्र सेतु की शुरुआत की है। ऑपरेशन समुद्र सेतु मालदीव से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए इनिशिएट किया गया है। इसमें इंडियन नेवी ने INS जलश्व और INS मगर की मदद से लोगों को मालदीव से लाया है। इसके साथ ही साथ INS शार्दुल को दुबई से लोगों को वापस लाने के लिए यूज किया जा रहा है। तो भारत सरकार ने अपने सभी रिसोर्सेस को यूज कर रही है, चाहे वो नेवी की हो, एयरफोर्स की हो, एयर इंडिया हो, जिससे कि भारतीय नागरिकों को वापस अपने देश लाया जा सके। बात करें सेकेंड फेज की, जो कि कल से शुरू होने वाली है, तो एक अनुमान के अनुसार इस फेज में 30,000 लोगों को वापस लाया जाएगा। जर्नलिस्ट शुभजीत राव की ये ट्वीट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सेकेंड फेज में 31 कंट्री से लोगों को लाया जाएगा, जिसके लिए 149 फ्लाइट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि फर्स्ट फेज जिसमें 12 कंट्री से लोगों को लाया गया है उससे काफी बड़ा होगा। सेकेंड फेज में जिन कंट्री से लोगों को लाया जा रहा है उसमें यूरोपियन कंट्रीज जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड आयरलैंड शामिल है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड हैं। सेंट्रल एशियन नेशन लाइक कजाकिस्तान, यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, ताजिकिस्तान और बेलारूस है। दूसरी कंट्रीज लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, आर्मेनिया, नेपाल और नाइजीरिया है। फर्स्ट फेज से जो कंट्रीज थी जिससे लोगों को लाया गया है उसमें मेनली गल्फ कंट्रीज थी लाइक UAE, सऊदी अरेबिया, कतर, और जो अन्य कंट्रीज थी वो हैं USA, UK, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, बांग्लादेश। इस ऑपरेशन को लेके कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी सामने आई हैं। विदेशों में फंसे जो भारतीय स्टूडेंट या ऐसे वर्कर्स जिनकी इनकम काफी लो है और वो भारत वापस आना चाहते हैं, इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। UK में फंसे काफी स्टूडेंट्स ने कहा है कि 2 महीने से उन लोगों की पार्ट टाइम जॉब भी चली गई है, जिसके कारण उनकी जो बची खुशी सेविंग भी थी वो भी उन्होंने खाने पीने पर खर्च कर दिया है। ऐसे में ये स्कीम उनके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। दूसरी कॉन्ट्रोवर्सी जो सामने आई है वो माइनर OCI यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के वीजा को लेकर है। इसके साथ ही साथ भारत में जब ये नागरिक आएंगे तो उन्हें क्वारंटीन होने के लिए भी सरकार को पैसा देना पड़ेगा। ऐसे में कई यात्रियों ने डिमांड किया है कि वो अपने घर पे क्वारंटीन रहना चाहते हैं, जिससे कि वो इस खर्चे से बच सकें।
बात करें इवैक्यूएशन फ्रॉम कुवैत की, तो ये एक 59 डेज का ऑपरेशन था जिसमें 488 फ्लाइट्स यूज हुई थी और इसमें करीबन 1,70,000 इंडियंस को गल्फ कंट्री से वापस लाया गया था। हाल ही में अक्षय कुमार की एयरलिफ्ट मूवी भी इसमें बनी है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।